कि हम तमाम मुसलमान एक हैं, हम पैगंबर आजम के मानने वाले हैं, उनसे इश्क मोहब्बत के नाते जोड़ने वाले हैं, और अगर एक जिस्म का यूजू का एक हिस्सा भी जख्मी हो तो मैं समझता हूँ कि पूरे वजूद में उसका दर्द महसूस होता है। वस्तु हो, शोर हो, या केपीके के इलाके में जितने भी हादसात हों, हर मुसलमान की रूह को परपा देने वाले होते हैं। और पहले जितने वाकयात हुए, हमने अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से कोशिश की है कि आगे बढ़कर इनके मामलात को संभालने की कोशिश की जाए। और लेकिन जिस तरह अब मैंने सुना, हकीकत भी यही है कि मुसलमानों को सिर्फ इस तरफ ले जाया जा रहा है कि किसी तरीके से आप लोग इसराइल को कबूल कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर कायदे आजम का पाकिस्तान और पाकिस्तान कायदे आजम की फिक्र के ऊपर चलने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कायदे आजम के पाकिस्तान, जिसका मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कभी भी इसराइल को कबूल नहीं कर रहे हैं। आपने मस्तूम के कई वाकयात सुने, कई दफा काफरों पर भी अटैक्स हुए और कई लोग शहीद हुए। अब जो वाकया हुआ है, ये उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका वाकया ऐसा हुआ कि आगे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गीत गाते हुए, मरहबा मरहबा या मोहम्मद मरहबा के नारे लगाते हुए लोग आ रहे हैं, और उन पर खुद पेश हमला करके उनको इस तरीके से खून से लथपथ किया गया है कि मैं ये समझता हूं कि ये समझते हैं कि आशकार मुस्तफा दावा को छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत जानिए कि एक एक लाश उठाते हुए जब हम करीब आए, उनके जितने भी मुवाहिदीन थे उनकी जबान पर यह था कि हमारी आने वाली नस्लें भी या रसूलुल्लाह के साथ तरारे गाते रहेंगे। और ये जितना भी हुआ है वो ये समझते हैं कि कमजोर हो जाएंगे मुसलमान, मुसलमान कमजोर होने वाला नहीं है, आशिक रसूल कमजोर होने वाला नहीं है। 300 लोग जख्मी हैं इस टाइम भी, और 70 के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं, और ऐसे लोग भी शहीद हुए, एक एक घर से 9 लाशें उठाई गई हैं, और एक घर ऐसा है जो हमारे बहुत करीबी तलाकदार है कि एक बूढ़ा मुर्दा है और उसके 2 बेटे नौजवान उसी जगह पर शहीद हुए, और हमारे शहीद हुए 2006 से लेकर आज तक। अहले सुन्नत आशकार मुस्तफा अपने शहीदों की लाशें उठा रहे हैं, कसम कुर्सी की हालत में फिर रहे हैं, कभी भी न हमने इस रास्ते को छोड़ा है और न कभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सोच सोची है। वजह यह है कि शहादत तो इस्लाम को ताकत देने के लिए होती है, और शहीद का खून आभियान करता है, और जितने भी शहदा शहीद हो हुए हैं, हमारा ईमान है कि उनके खून के कतरों से भी आशकार मुस्तफा पैदा होने लेंगे। ये मोहब्बत का सिलसिला, ये अखुवत का सिलसिला आके पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकद्दस के साथ कायम रहेगा। मस्तूम का कि जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन हकीकत मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये जो अदारे कहते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है, नो, कोई सिक्योरिटी नहीं थी उसमें। डीसी और एसपी जो मुलविस है वो कोई वहाँ सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे। और मैं हजरत अलामा अबुल खबीर अब्दुल खबीर साहब की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि आप तो उस इलाके से होके आए हुए हैं, जितने भी वाकयात हुए हैं वहाँ सिक्योरिटी हमेशा लैक्स होती है, सिक्योरिटी कम होती है, जिसकी बुनियाद पर ये मामला होते हैं। अगर आप पहली क्लिप देख रहे हैं, और हमारे आईजी साहब का ये बयान था कि जनाब एक खुदकश हमला अलग आ रहा था और हमारे
डीएसपी साहब ने उसको रोकने की कोशिश की और इस वजह से वो शहीद भी हुआ है उसको रोकते हुए। अगर उसको रोकने वाला था तो फिर 300 बंदे अब तक जख्मी क्यों हैं, 70 बंदे शहीद क्यों हुए हैं। हकीकत यह है कि वो जो डीएसपी था बिल्कुल मौजूद थे, डीएसपी खुद आशिके रसूल था, वो खुद इस जुलूस में मौजूद था और उसकी पिक्स आ रही है। हमारे अलामा सैयद मुफ्ती इकबाल शाह साहब वो फरमा रहे थे डीएसपी साहब मैं और मुफ्ती शहीद जो शहीद हुए हैं हम सारे इकट्ठे खड़े हैं और हम तस्वीरें बनवा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से की मोहब्बत से इशारे में कहती करें, इशारे में कहती के दौरान ही ये धमाका हुआ है और वो भी शहीद हो गया। डीएसपी भी और मुफ्ती शहीद वो भी शहीद हो गए और इकबाल शाह साहब फरमाते हैं कि तमाम के खून के लोथड़े मेरे ऊपर मौजूद थे लेकिन कुदरत ने बचाना था, मैं बच गया, मैं गाजियों में हो गया और वो शहीद हो गए, वो अमर हो गए। मेरे अजीज साथियों हकीकत यह है कि जहां सिक्योरिटी ना दी जाए वहां के ये हालात होते हैं और हम यही समझते हैं कि हकीकत यही है। जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया, जैसे अलामा नईमी साहब ने फरमाया कि इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए हम पर इस तरह के धमाके किए जा रहे हैं, हमें वीक किया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है, लेकिन बातिन से दबने वाले हम आसमां में ही हम 100 बार कर चुका है तो ईमान की इम्तिहान हमारा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू व कलम तेरे हैं। आज का ये जो इस्तबा है, आज का जो ऐवान है, इसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मुश्तरका तौर पर खड़े होकर अगर आप मुजम्मत फरमा लेंगे वाकई मसूम की तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज तमाम अदारों की तरफ चला जाएगा और वो समझेंगे कि वाकई ये सारे